हे गाइस, वेलकम बैक टू द एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता भी चल चुका होगा कि IRMS की जो वैकेंसीज हैं वो अगेन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आपका रिक्रूट होने वाली हैं, जो पहले डिसीजंस के थ्रू सिविल सर्विसेज में जा चुकी थी। तो इन्फॉर्मेशन तो आपको डिटेल में मिल गई होगी, सर ने भी शायद वीडियो बनाया है। तो मेरा कहने का है मतलब, जैसे आप क्लासेस में भी कई बार सुने होंगे, हमेशा हमें इस बात से मोटिवेट रहना है कि हमें अपना केवल और केवल काम करना है, जो कि हमारा पढ़ाई, जो जिसको हमें अच्छे से करना है। अगर हम वैकेंसीज को ध्यान में देख के पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जब हम डिमोटिवेटेड होंगे, और हो सकता है उस टाइम पर शायद वैकेंसी अच्छी आ जाएं और हम वो अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ चुके होंगे। इसलिए आपको मेरा सजेशन यही है, हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत मजबूती से करें, जिससे जब भी कभी भी अच्छी वैकेंसीज किसी भी एग्जामिनेशन के थ्रू आती हैं या किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आती है, तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड रखें उस चीज के लिए। अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे तो हो सकता है जिस टाइम पर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है उस टाइम पर वैकेंसीज आ गई तो बढ़िया गजब का कॉम्बिनेशन बनेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है और नीड है आपकी लाइफ के लिए। तो यही इन्फॉर्म करने के लिए और इस मोटिवेशन के लिए मैंने आपके लिए वीडियो, स्मॉल वीडियो लेकर आया। तो नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो व्यस्तताओं के कारण मैं अभी आपको काफी वीडियोस में दिखा भी नहीं होऊंगा, अभी अवेलेबल नहीं था मैं, इसलिए। तो मेरा तरफ से आप लोगों को यही मैसेज है कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप पढ़ाई की कंटिन्यूशन को कभी भी ब्रेक ना करें। और अब देखो, एग्जाम पास आने वाला है, गेट एग्जामिनेशन भी, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी, ये लास्ट के जो 4 मंथ है ना आपके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 मंथ्स में आप कहीं ना कहीं, आपको ऐसा फील हो सकता है बीच में कि आप हथियार हाथ से छूट रहे हैं, पेंसिल या पेन आपके हाथ से छूट रहा है और आप अब उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, डर लग रहा है कहीं ना कहीं। तो डर स्वाभाविक है वो, क्योंकि एग्जाम जब आएगा आपके सामने तो एग्जाम जितना नजदीक आएगा उतना डर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने एक हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है, और मेहनत का फल हर कोई चाहता है कि उसे मेहनत का फल मिले। बट आपका काम अभी यहां पर डरना नहीं है और ना ही बीच में से प्रिपरेशन को छोड़ना है। जब तक आपको मंजिल पूरी ना मिल जाए, आपको पीछे कदम नहीं हटाने हैं। आप एंटर हो चुके हैं इस जंग में और अब इसमें केवल और केवल आपको अपना 100% देना है, और एग्जाम के बाद रिजल्ट जो भी हो आपके फेवर में ही होगा अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो, क्योंकि उसका कारण वही है, क्योंकि वो प्रिपरेशन पर्टिकुलर उस एग्जामिनेशन में अगर आप डिफीट भी हुए तो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन में या नेक्स्ट किसी वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।